डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो ITJEE में 2019 में ये आ चुका है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर इन केमिस्ट्री। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है उसकी कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसकी जो स्पेक्ट्रल सीरीज की बात हो रही है, इज फाउंड टू बी अबाउट 9। तो रेशियो जो है किसका, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 9 आनी चाहिए। द स्पेक्ट्रल सीरीज आर ए लाइमन एंड पैस्टन, बी ब्रैकेट एंड पफून, सी पैस्टन एंड पफून एंड डी बार्बर एंड ब्रैकेट। दिस द क्वेश्चन। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है इसका फॉर्मूला क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला, किस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, सबसे पहले आप ये जानो कि स्पेक्ट्रल सीरीज होता क्या है ना, बेसिक कंसेप्ट मैं आपको दूंगा तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे और बना पाओगे। सिर्फ फॉर्मूला रखने से, याद करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यू मस्ट हैव ए बैकग्राउंड कंसेप्ट ऑफ एवरी फॉर्मूला सो दैट यू कैन प्रॉपरली यूटिलाइज दैट फॉर्मूला एट ए पार्टिकुलर पोजिशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो आपको मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा कि ये जो क्वेश्चन है उसकी बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें। ओके, सोल्यूशन तो है ही अपने जगह पे, लेकिन यू शुड हैव नो कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि यू नो ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो दैट देयर इज एन एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर ना, जो एज्यूम हम लोग करते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है, और ऑर्बिट में चारों तरफ ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दिस द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, ओके, अब बहुत सारे नील बोहर ने अपना फॉर्मूला दिया कि एवरी ऑर्बिट, जो हर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है वो उसकी एक खास एनर्जी वैल्यू होती है, इसलिए ऑर्बिट और शेल को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, उसकी एनर्जी लेवल का मतलब है कि हर ऑर्बिट की एक एनर्जी वैल्यू होगी, वो फिक्स्ड होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होगा वो वही एनर्जी होगा जो उस ऑर्बिट का एनर्जी होगा, मतलब अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है उसकी एनर्जी अलग होगी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ओके, सो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आपको ये मालूम होनी चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना, तो एज यू नो द नंबर ऑफ ऑर्बिट, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है ना, तो उसकी जो बेसिक फॉर्मूला है वो है आपका ई एन इज इक्वल टू, एनर्जी को हम लोग ई एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस 2π² जेड स्क्वायर ई 4m के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग ई एन से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी है एक पार्टिकुलर ऑर्बिट की या उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की,
और इसमें जो k है, ये k क्या है, तो k इज 1/4 pi epsilon 0, है ना, जो कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें जो z है, z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है किस एलिमेंट, हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अलग होगी। उसके बाद e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, तो वेरिएबल 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। उसके बाद m क्या है, m e आई विल राइट इलेक्ट्रॉन का मास, 9.11×10⁻³⁹ किलोग्राम। ओके, उसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, है ना, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट वैल्यू इज 6.626×10⁻¹⁴ जूल सेकंड। ये सारे वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख दिया है समझाने के लिए। ओके, अब होता क्या है कि इस फिगर में कुछ पार्टिकुलर कांस्टेंट है जो कभी बदलता ही नहीं है। क्या क्या कांस्टेंट है देखो, तो आप यहाँ देखो 2π² e^4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k² / h² एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू हर एटम के लिए एक ही होगी, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने वाला नहीं है, के 1/4 pi epsilon 0, है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे एक कांस्टेंट है के, ये नहीं बदलेगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, पाई तो कांस्टेंट ही, और एच प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही है, एच प्लस है प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू जो हम कैलकुलेट अगर हम करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आता है ऑलमोस्ट 2.18×10⁻¹⁸ आता है। ओके, -18 जूल। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात की जाए तो ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज और मैं बता दूंगा आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, और आप देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ जूल होता है। तो ये सारे फैक्ट फिगर्स जो है आपको ये याद होनी चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है आपके लिए ताकि आप इसे याद कर सको, याद रखो, है ना। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्वेश्चंस तो ठीक है अपने जगह पे, मैं बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ साथ में जो आपको काफ़ी काम देगा, तो ये सब याद होनी चाहिए, है ना। तो उसके बाद इस ये जो कांस्टेंट है, ये जो मैंने कांस्टेंट लिखा है, दिस इज कॉल्ड राइडबर्ग कांस्टेंट RH, दिस इज नोन एज राइडबर्ग कांस्टेंट RH, राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए राइडबर्ग कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो फॉर्मूला हो गए ये अब बहुत आसान हो गए, आप एक स्क्रीन शॉट ले लो, जो डाटा है क्लीन बोर्ड, तो ओके, सो आप देखोगे कि हमारी फॉर्मूला जो है क्या हो गई। अब ये फॉर्मूला जो है आपको मैं यहां लिख देता हूं, e^n इज इक्वल टू माइनस, अब देखो 2π² e फॉर m e k स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट हो गए, 2 कांस्टेंट हो गए, है ना, 2π² e^4 m k इस कांस्टेंट है और h² कांस्टेंट है, तो इसके जगह पर मैं लिख देता हूँ सिंपली 2.18×10⁻¹⁸, है ना, -18। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बचा क्या, बचा z² ऊपर नीचे n² इंटू z² / n²। ओके, तो ये हमारी जूल में एनर्जी निकल जाएगी, जूल, है ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अगर निकालना है या एक वो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है उसकी एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितनी भारी रकम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फॉर्मूला आपको दिया है, और ये फॉर्मूला का प्रूफ भी अगर आप चाहोगे तो मेरे
अगले वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो में कोई मैं अपलोड जरूर कर दूंगा तो सब कुछ भी आपको मैं समझा दूंगा। बट सर वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सो हम बेसिक सिर्फ फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्बिट या एनी इलेक्ट्रॉन इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो एक रिवर्स कन्वर्शन तो आपको पता ही है, तो मैं इसको अगर 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और यही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो दैट विल बिकम 13.6। ओके, तो ये हम ले सकते हैं ऐसे −13.6 × Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो आप जूल में चाहते हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल जाते हो तो ये इस्तेमाल करो, है ना। और 13.6 आया कैसे, तो आपने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, कैसे किया, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻¹⁹ तो 1.6 × 10⁻¹⁹ से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 13.6 आएगा। ओके, सो दिस वे वी हैव गॉट द फॉर्मूला। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट सो दैट आई कैन प्रोसीड। ओके, हमारी क्वेश्चन है वेवलेंथ से जुड़ी हुई, हमारी जो बेसिक क्वेश्चन है वेवलेंथ से जुड़ी हुई, तो हम वेवलेंथ पे आने जा रहे हैं। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, अब ध्यान से समझो कि वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है वो पहले आप समझो तो जरा आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखो हम बेसिक तो फॉर्मूला जो है हमारी जो ब्लैक दिया था वो था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच प्लस कॉन्स्टेंट इंटू न्यू, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, इज एनर्जी, E is energy and H is Planck's constant and nu is frequency, okay. Frequency of radiation. और एक और मैं आपको बताता हूँ, C is equal to nu into lambda, where C is speed of light, C is speed of light. All of you should know, and you, I think know, that is equal to 3 × 10⁸ meter per second. All right, 3 × 10⁸ meter per second. And lambda क्या है? Wavelength of radiation. All right. अब यहाँ से देखो, energy को wavelength से कैसे relate करते हैं? So we can write here. न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब इस न्यू के जगह पे सी बाय लैम्डा मैं यहां लिख कर रहा हूं, तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। अब हम हमें चूंकि लैम्डा से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन है वेवलेंथ से जुड़ी हुई, इसीलिए मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं। और अब आप रिलेशन निकाल सकते हो, अब आप एक रिलेशन निकाल सकते हो कि वेवलेंथ तो वह रेसिप्रोकल हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई बाय एच सी, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय लैम्डा एच सी नीचे चला गया। तो ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है ना, काफी कॉमन फॉर्मूला है जो हम लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला राइट, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू ई बाय एच सी। ओके, सो ई तो हमें मालूम है, अभी मैंने ई का वैल्यू आपको दिया है ना, तो बस इस फॉर्मूला का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आई एम गोइंग टू यूज द बोर्ड। ओके, तो चलो अब हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई बाय एच सी, याद रखना
E का वैल्यू अभी अभी मैंने आपको दिया, एनर्जी का वैल्यू मैंने अभी अभी आपको दिया, वो क्या दिया कि माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 80 10 टू द पावर माइनस 80 ओके। तो नाउ यू कैन सी दिस फॉर्मूला एज सो सिंपल। तो ये 1/λ इज इक्वल टू हमारी क्या फॉर्मूला आ गई, 2.18 e की जगह पे मैंने लिख दिया अपॉन एंड z² अपॉन n², ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, और अपॉन hc मैंने कर दिया। h और c, h क्या है 6.626, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे -2.18 into 10 to the power -18 अपॉन h का फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34 और c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से डिवाइड कर दो z² / n² दे दो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 109 याद रखना है 1 - y = 109 6 double 7 double 0 z² / n² और चूंकि ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है इसको हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर, याद रखना है। तो ये इस पर मीटर, दिस इज द यूनिट इज पर मीटर, मतलब एक मीटर में वेव नंबर होता क्या है, यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो वेव नंबर का सिंबल है, देखो फ्रीक्वेंसी का ही सिंबल है, उसके ऊपर बार दे देते हैं तो वेव नंबर बन जाता है। This is known as 1/λ। और वेव नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यूनिट लेंथ में कितने वेव्स बन सकते हैं, वेव्स का मतलब क्या होता है, ये दिस इज योर वेव, ओके दिस इज वेव ना, तो यहां से यहां तक एक वेव कहलाता है, दिस इज वन वेव, दिस इज वन वेव, ओके ये वन वेव है। तो ऐसे ऐसे वेव यूनिट एक मीटर में, अगर पर मीटर लिखा है ना, तो एक मीटर की लंबाई में ऐसे ऐसे कितने वेव्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, सिंपल ओके। अब ये तो बात हो गई वेव नंबर की, फॉर्मूला मैंने ले आया मीटर पर मीटर, अगर पर सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 00 हटा दूंगा तो पर सेंटीमीटर भी बन जाए, चलो यहां तो आपकी फॉर्मूला क्लियर है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, स्पेक्ट्रल ला सीरीज। अब स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, तो देखो उसकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये फ्रॉम न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जो भी फैक्ट्स है, फॉर्मूला है, उसकी मैं बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ साथ में, ताकि आपको ये फॉर्मूला दूसरे क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर सको। ऐसा नहीं कि सवाल यही आएगा आपके एग्जाम में, है ना, जेई मेंस में कुछ भी सवाल आ सकता है, आपको बैक हर फॉर्मूला का बैकग्राउंड, हर फॉर्मूला का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज होता क्या है आपको मालूम होनी चाहिए, स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है वो मालूम होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रल सीरीज होता क्या है, सिंपल तरीके से मैं बता दूं आपको। तो अगर यू नो हर मटेरियल जो है एटम का बना है, है ना, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, हीलियम गैस हो, कोई भी गैस हो, या ऑक्सीजन हो, या कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सीसीएम हो, फ्रांसियम हो, कोई भी एलिमेंट हो, एटम से बना है। अगर आप उस आइटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या इनर मोस्ट ऑर्बिट में वो ट्रैवल रिवॉल्व कर रही है। अब आप सोचो कि अगर हम बाहर से एनर्जी दे दें एटम को, तो एनर्जी देने का जनरली दो तरीका है, चाहे तो आप उसको हीट करो, गर्म करो, या आपको इरेडिएट करो, इरेडिएट मतलब रेडिएशन उस पर डालो, है ना, या उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में भर दो, है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है वो किसी वीडियो में आप हम लोड करेंगे, आप देख लेना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक मतलब डिस्चार्ज के थ्रू, है ना, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके आप एनर्जी दे सकते हो, आप उसे हीट करके गर्म करके किसी चीज़ को एनर्जी दे सकते हो, और या नहीं तो आप उस पर रेडिएशन डाल करके, है ना, कोई भी पार्टिकुलर रेडिएशन, लाइट लाइट भी एक रेडिएशन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से
भी आप एनर्जी फीड कर सकते हो एटम को, और जब एटम को एनर्जी दोगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करता है, तो हर एटम की जो स्ट्रक्चर है वो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होती है ना, ऑर्बिट जो होती है इस तरीके से ऑर्बिट होती है। न्यूक्लियस एनर्जी वाले ऑर्बिट को n = 1 कहते हैं, n = 2, n = 3, n = 4, फिर आगे आएगा n = 5, फिर आगे आएगा n = 6, इस तरह से n = 7 ये बढ़ता चला जाएगा। तो ऑर्बिट की संख्या हमेशा काउंटिंग न्यूक्लियस के नजदीक से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, याद रखना n का वैल्यू 1 रखे नजदीक वाले, जैसे आप दूर जाते हो ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है, और यही n का वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो हर ऑर्बिट का एनर्जी निकल जाएगा। अब स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है वो समझिए, जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले बाहर से एनर्जी देने पर, तो हर इलेक्ट्रॉन यहाँ की जो नजदीक में एनर्जी ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे एनर्जी ज्यादा होती चली जाती है। ठीक है, याद रखना आई रिपीट, न्यूक्लियस के नजदीक वाले जितना नजदीक रहोगे उतना एनर्जी कम होगा, तो सबसे कम एनर्जी इस ऑर्बिट का, पहले ऑर्बिट का उससे ज्यादा एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट का, उससे ज्यादा एनर्जी थर्ड ऑर्बिट का ना, तो इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ता जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे दिया और वो पहले ऑर्बिट में था, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो थर्ड ऑर्बिट के लायक हो गया, मतलब थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी होना चाहिए उतना एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को हो गया, तो वो यहां से वो जल करके थर्ड ऑर्बिट में आ जाएगा, और आने के बाद जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एटम जो है उसकी स्टेबिलिटी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन आपस में जो इंट्रैक्शन के कारण सब बंधे हुए हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, जैसे ही एक भी चार्ज का पोजीशन बदला कि वो इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और हम कहते हैं एटम अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी को वापस गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो एक से जंप कर गया तीन में वो फिर वापस लौटेगा, जब वो वापस लौटेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया था वो रिलीज करेगा, है ना, इमिट करेगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करता है, रेडिएशन के रूप में इमिट करता है। तो इस तरह से हो सकता है कि वन से वो चार में जंप कर जाए और फिर चार से वापस एक में आए, या एक से दो में जाए दो से वापस एक में आए, या हो सकता है कि दो में था चार में चल जाए तो चार से दो में वापस आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वापस लौटती है तो वो इमिट करती है, जब वापस लौटती है जब करने के बाद तो वो रेडिएशन इमिट करती है, और उस रेडिएशन जो होती है उसकी एक पार्टिकुलर एनर्जी होती है ना, अलग अलग एनर्जी का रेडिएशन इमिट करेगा और अलग अलग एनर्जी का वेवलेंथ अलग होता है, इसे मैंने फॉर्मूला को बताया E = h × u। तो एनर्जी इज नेचुरली कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वेवलेंथ, है ना, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था E = h × u या h × c/λ। तो अगर एनर्जी बदलेगा तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ बदलेगा, और हर वेवलेंथ का से जुड़ा हुआ एक पार्टिकुलर रेडिएशन होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखोगे अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग मतलब उसकी मीनिंग होती है ना, अब जैसे एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ये सभी की वेवलेंथ अलग है, हमारी जो विजिबल जो लाइट है जो हम देखते हैं रेड ग्रीन येलो ब्लू उसकी भी वेवलेंथ वो फिर से, तो अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी। तो ये तो क्वेश्चन है आपका लाइमैन पाश्चर ब्रैकेट ये क्या है, ये सारे डिस्कवरर का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक वेवलेंथ को डिस्कवर किया था, है ना। सबसे पहला जो आपका जो सीरीज था वो दिया गया था लाइमैन, है ना, लाइमैन के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगी कहीं से भी, सेकेंड से जंप करें, थर्ड से जंप करें, फोर्थ से जंप करें, फिफ्थ से जंप करें, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में जंप करती है तो उसको हम लाइमैन सीरीज कहते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में जंप करती है कहीं से भी, थर्ड से जंप करें, फोर्थ से जंप करें, फिफ्थ से जंप करें, तो उसको हम लोग बैगमर सीरीज कहते हैं, है ना। अगर वो थर्ड में जंप करे तो पाश्चर कहेंगे, अगर फोर्थ में जंप करे तो ब्रैकेट कहेंगे, फिफ्थ में जंप करे तो पफून कहेंगे, और सिक्स में जंप करे तो हम फ्री कहेंगे। एनीवे, तो ये तो हो गई स्पेक्ट्रल सीरीज की बात।
है ना। तो हम जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी कितना रेडिएट करेगा उसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। और उसके लिए वेवलेंथ कितना होगा, उस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, तो सिंपली आप निकाल सकते हो कि हमारी जो फॉर्मूला होगी, ठीक है, स्किल सॉफ्ट आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड। अब आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो मैंने आप दे जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब तक मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, तो हमारी जो बेसिक फॉर्मूला होगी वो होगी 1/λ इज इक्वल टू -109677000 z². चूंकि ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन का जेड 1 होता है, तो 1² / nf² मतलब फाइनल कहां से जंप कर रहा है, तो फाइनल टू इनिशियल nf² माने z² 1² / ni². तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये माइनस है, ये माइनस एन आई है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 1096700 1² 1/ni² -1/nf², ये 1/λ। सो ये बेसिक फॉर्मूला है। अब एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा। अब तक मैंने जो भी डिस्कस किया वो इस फॉर्मूला का बैकग्राउंड कंसेप्ट था। सॉल्यूशन शुरू होगी अब यहां से, हाँ, इस फॉर्मूला से ही आपकी सॉल्यूशन शुरू होगी, ठीक है। अब आप कैसे इस्तेमाल करोगे वो देखो, बेसिक मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि जो रेशियो है वेवलेंथ का, जो रेशियो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होगा, याद रखो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब होगा, जब आपका जो फाइनल है कहां से जंप करेगा, वो इंफिनिटी से जंप करेगा, है ना। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द इंफिनिटी, है ना, जब वो इंफिनिटी से जंप करेगा तब हम कहेंगे कि आपका ये जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट है। तो देखेंगे वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट, वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट व्हेन, देखो एग्जाम देना कि व्हेन एनएफ जो फाइनल है इज इंफिनिटी, है ना। आप रिलेशन से समझ सकते हो, है ना, कि वेवलेंथ जो है ये अगर एनएफ इंफिनिटी होगा तो 1/ जीरो हो जाएगा, है ना, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू घटेगी, है ना, माइनस अगर जीरो हो जाएगा तो इसमें से मिनिमम वैल्यू होगी, और ये अगर मिनिमम होगा तो एक्चुअली है वेवलेंथ भी मिनिमम होगी, है ना, क्योंकि वेवलेंथ भी नीचे है और एन आई भी नीचे, तो ये वेवलेंथ तभी मिनिमम होगा जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम तब होगा, है ना, तब ये इन्फिनिटी होगा, मतलब ये मैक्सिमम ही घटेगा इसमें से, है ना। तो एनएफ अगर इन्फिनिटी कर देता हूँ तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/λ इज इक्वल टू 1096700 / 1/ni² -1/∞ दैट इज इक्वल टू 0, 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं 1096700 * ni² * ni², सो दिस इज 1/λ, दिस इज 1/λ, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है, याद रखना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी संभव है जब हमारी जो ये जो इन जो फाइनल जो ऑर्बिट है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, फाइनल ऑर्बिट इन्फिनिटी होनी चाहिए, फाइनल ऑर्बिट इन्फिनिटी होगी तभी हमारा हमारा वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। नाउ अब हम अलग अलग सीरीज की बात करेंगे, लाइब्रेरी में क्या होगा, एक स्क्रीन शॉट फर्स्ट, तो ये मेरी फॉर्मूला हो गई जिसका इस्तेमाल हम करेंगे।
तो क्वेश्चन तो काफी सिंपल होता है, आसान होता है, लेकिन आपको सारी फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, तो बेसिक फॉर्मूला है ताकि आप उसको सॉल्व कर पाओगे। अब हम अलग अलग लाइनों के लिए क्या मैंने बताया था, 1 by lambda l फॉर लाइनमैन। लाइनमैन ने बताया था कि जब पहले ऑर्बिट में जंप करे, हाँ लाइनमैन के लिए एनआई जो है वो 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1096770 by 1 square, है ना, मतलब ये सिंपली हो गया 1096770, सिंपल है ना। पैस्टन के लिए लिख लो 1 by lambda pastern, है ना, लेमदा पैस्टन, पैस्टन के लिए क्या हो जाएगा, तो 1096770 by pastern। पैस्टन जो होता है वो थर्ड ऑर्बिट के लिए होता है, है ना, ये लेमन है, ये बाल्मर है, पैस्टन है, याद रखना, लेमन बाल्मर पैस्टन, है ना, पैस्टन। उसके बाद है फोर्थ ऑर्बिट के लिए आपका ब्रैकेट हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, फिर ना ये ब्रैकेट हो जाता है, ब्रैकेट हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो फोर्थ ऑर्बिट के लिए आप ब्रैकेट, फिफ्थ के लिए परफॉर्म, ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट हो गया, उसके बाद परफॉर्म हो गया फिफ्थ के लिए, और ये हमफ्री होता है, हमफ्री, हमफ्री। तो ध्यान से देखना, ये पैस्टन है, ये पैस्टन है, ये है बाल्मर, और ये है लेमन, ओके, ए लेमन चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि हमारा पैस्टन है 3 n = 3 है, तो 3 square 1096770 by 9, ओके ये 9 हो गया। उसके बाद आप इसका निकालो, सभी का निकाल के आप रेशियो निकाल के चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ब्रैकेट के लिए देखो 4 लिखेंगे, 1 by lambda, ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए आप लिखोगे 1096770, और ब्रैकेट किसके लिए होता है, 4 के लिए होता है, तो 4 square 16, 1096770 by 16, ओके। उसके बाद है ब्रैकेट हो गया, बफून का भी निकाली हो, बफून का भी चाहिए हमको, 1 by lambda, बफून, बफून के लिए क्या हो जाएगा, 1096770, बफून के लिए एन का वैल्यू 5 होता है, 5 square मतलब 25, 1096770 by 25। अब देखो कि रेशियो किसका 9 के करीब आ रहा है, तो आप देखो सिंपली कि आप लेमन एंड पैस्टन का रेशियो निकालोगे, लेमन एंड पैस्टन का रेशियो निकालोगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ जाएगा, लेमडा एल बाई लेमडा ओ, इधर का रेशियो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, हमारा तो लेमन हो गया, पैस्टन भी हो गया, ब्रैकेट हो गया, परफॉर्म हो गया, बार्मर, बार्मर मैंने निकाला, बार्मर में निकाली दो 1 by lambda d before bar, तो 1096770 by bar, बार्मर तो है हमारे क्या है 2 है, तो 2 square मतलब 4, 1096770 by 4। चलो अब ये सारे वैल्यू आने के बाद अब आप देखो ध्यान से कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा जो वैल्यू है, अब सिंपली रेशियो निकालना है, तो अब आप देखो कि रेशियो कब आपका जो क्वेश्चन के अनुसार आ रहा है, नाउ आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सी लेमन एंड पैस्टन, तो इस दोनों का रेशियो निकालेंगे 1 by lambda l by 1 by lambda pastern, है ना, दोनों का रेशियो लेमन एंड पैस्टन, ए को हम चेक कर रहे हैं कि कितना आ रहा है, दिस बाय दिस, सो सिंपल 1096770 upon 1096770 upon 9, है ना, तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा, देखो 9 आ जाएगा,
तो बाकी आप अगर डिवाइड करो ब्रैकेट एंड प्रोफूल को, ब्रैकेट एंड प्रोफूल को अगर 1 by lambda ब्रैकेट जो है बाई 1 by प्रोफूल कर लो, प्रोफूल कर लो तो कितना आ जाएगा, उसको ब्रैकेट प्रोफूल का कितना आ जाएगा, दिस बाय दिस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by 16 बाई 1 by 25 और अगर बाल्मर एंड ब्रैकेट को डिवाइड करो, देखो करीब हमारा आंसर तो यहाँ पर मिल ही गया है और अबाउट नाइन तो ये जो रेशियो है वेवलेंथ का वो ऑलमोस्ट लाइन आ ही गया है यहीं पे, तो आपका ए ऑप्शन सही आना चाहिए, ए ऑप्शन सही आना चाहिए। आप रेशियो निकाल सकते हो है ना, पैशन एंड प्रोफूल का भी निकाल सकते हो, पैशन है 1 by 9 है ना, तो देखो ये तो खत्म हो गया, 25 by 16 आ गया, ये नहीं चलेगा, ब्रैकेट एंड प्रोफूल आपका नहीं चलेगा, ब्रैकेट एंड प्रोफूल आपका नहीं चलेगा। उसके बाद आप निकालो चलो पैशन एंड प्रोफूल का देख लो, पार्शियल एंड प्रोफूल जो है पार्शियल एंड प्रोफूल का भी रेशियो देख लो, तो पार्शियल 1 by पार्शियल पार्शियल बाय 1 by प्रोफूल कितना हो जाएगा, तो 1 by पार्शियल कितना हो जाएगा 109 6770 अपॉन 9 और पार्शियल प्रोफूल कितना है 25 है ना, 109 6770 by 25 ये भी कर करके कितना आ जाएगा 25 by 9 आ जाएगा है ना, तो ये भी नहीं होगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, हमें 9 आना चाहिए अबाउट 9 जो इसी यही एक ही केस में मिला। और दूसरा केस भी चेक कर लो फोर्थ में क्या है, बाल्मर एंड ब्रैकेट, बाल्मर का क्या वैल्यू होगा, ये लगता 1 by लगता भी बाल्मर बाय ब्रैकेट 1 by ब्रैकेट 1 by lambda ब्रैकेट कितना हो जाएगा, बाल्मर का आ है 109 6770 by 4 divided by ब्रैकेट का कितना है, ब्रैकेट का है 16 109 6770 by 16 आप इसको डिवाइड करोगे ये कट जाएगा तो 16 by 4 आ जाएगा, तो 4 4 16 में तो 4:2 बनाया। So, आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो वेवलेंथ का रेशियो है वो ऑलमोस्ट 9 आना चाहिए, तो ये देखिए वेवलेंथ का रेशियो अगर आप निकालोगे तो ऑलमोस्ट इसको आप फिर रेशियो को निकाल लोगे तो ये पास्चर और लाइनर का जो रेशियो होगा वो 9 के करीब आ जाएगा है ना, या आप कह सकते हो कि है ना 11 और पास्चर का 1 by 9 है, मतलब जो भी रेशियो है वो 9 के अबाउट आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए। So, आपने देखा किस प्रकार से फॉर्मूला तो काफी आसान है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लगाकर सॉल्व कर सकते थे आपके लिए, मात्र 1 मिनट का आंसर था, लेकिन जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं समझते, फॉर्मूला ये आया कहाँ से ये नहीं समझते तो कि आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। सो बेसिकली जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है, कौन सी फॉर्मूला सॉल्व अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कौन से टर्म्स का क्या मीनिंग है, स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि दूसरे ऐसे सवाल अगर आपको इसमें आते हैं तो आप उसे हैंडल कर सको। सेम सवाल तो आपको आता नहीं है कभी क्वेश्चन में, वो हमेशा एक नया ही क्वेश्चन आपको आएगा, तो अगर आपको हर कॉन्सेप्ट हर टर्म की बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्लियर होगी, फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं करना है, फॉर्मूला के पीछे जो कहानी है जो कॉन्सेप्ट है वो मीनिंग क्या है वो भी मालूम होनी चाहिए, तभी कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका सही ढंग से आप अप्रोच कर पाओगे। ओके, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।